को बोलूं बोलो, तुम मुझे वंचाटी बात करके जाते हैं। प्रकृति में ऐसा नहीं है कि तुम आ रहे बोल के मुझे सहारा हो रहा बोल के। ये है चूहे मामू का कमाल, कब गए थे अंदर क्या पता। मौका ढूंढते रहो तुम इतना भाई बहन जुदा करने का। क्या रोना नहीं, गाड़ी है तराज दी थी, हंसते जाओ। हे ऑल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बढ़िया। देखिए सब लाइफ रेगुलर में आ गई, मैंने सुबह की नमाज़ पढ़ ली, कुरान पढ़ ली और उसके बाद यूसुफ स्कूल चला गया, उसका टिफ़िन बांध दिया और थोड़ा सा वेट लॉस का तो प्रोग्राम चल ही रहा है ना, आपको तो पता ही है। उसी सिलसिले में 3-4 दिन जीरे का पानी पीऊँगी, 1 चम्मच जीरा डालकर गर्म पानी डालकर रख दिया है और पादरी साहब उठ गए हैं, उनके लिए चाय बना रही हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, आपका एक वीडियो देखेंगे ना तो मन करता है दूसरा भी वीडियो देखें, और सच में मेरा वॉच टाइम भी बहुत अच्छा आ रहा है। और देखिए मैंने चाय बनाकर दे दी, और ये रेगुलर काम है मेरा हर रोज़ का, पात्री साहब के पानी के बॉटल भरकर देने के। और देखिए यहाँ का पानी इतना ज़्यादा साल्टी है, इसके ढक्कन पर भी वो नमक बैठ गया है पानी का, तो उसे भी अच्छे से साफ़ करके, बहुत बारीक जगह है ना, तो साफ़ करके ढक्कन लगाकर पानी दे दिया। और आज पात्री साहब है ना जल्दी जाने वाले हैं, तो फिर ब्रेकफास्ट में चावल और अंडे दूंगी, तो इसलिए अंडे इधर उबल जाएंगे, मेरे दूसरे काम हो जाएंगे। और मेरे जो कंटिन्यू देखने वाले व्यूवर्स हैं ना, वो तो माशाल्लाह मेरे हर क्वेश्चन पे आंसर देते हैं, अच्छा लगता है, जैसे एक बॉन्डिंग बन गई है। कभी कभार लगता है अरे वो बंदी का कुछ कमेंट नहीं आया, ये बंदी का कुछ कमेंट नहीं आया बोलकर, फिर जब आता है तो पढ़ के अच्छा भी लगता है। देखिए मैंने मेरे डॉगीज़ को खाना दे दिया, अभी ये चाय की छन्नी देखिए, दूध वाली चाय छानते हैं ना तब ये छन्नियाँ ऐसे ख़राब हो जाते हैं, और ये 1-2 महीने में ये काम आप अगर स्टील की छन्नी यूज़ करते हैं तो करना ज़रूर चाहिए, और प्लास्टिक की छन्नी तो यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। पर कभी कभार क्या होता है, डस्टी चाय पत्ती आ जाती है ना, तो प्लास्टिक की छन्नी ही यूज़ करना पड़ता है। देखिए इस तरह से जलाने के बाद अंदर की चाय पाउडर पूरी जल जाती है, उसके बाद आराम से ठप 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 मारेंगे ना तो पूरी छन्नी साफ़ हो जाती है, और इतना ज़ोर नहीं मारेंगे कि पूरे साइड के ठोके पड़ जाएं और छन्नी का शेप पूरा बदल जाए। हर काम करेंगे सब्र के साथ, साफ सुथरा, और सामान भी ख़राब ना हो, हमारे हाथ को भी डैमेज ना हो, इस तरह से काम करेंगे। देखिए मैंने ये पैन पिछली बार भी सैंडविच बना के जस्ट ऐसे ही हाथ घुमा के रख दिया था, अब ये इतने लाल लाल दाग गिर गए हैं, चलिए इसे भी साफ़ कर लेते हैं। किचन का काम कैसे होता है, अगर आप मन लगाकर करते हैं और आप एक परफेक्ट हाउसवाइफ हैं तो ये सारे काम आप करते ही होंगे, और क्या पता, और बहुत सारे लोग हैं ना जाने दो बोलकर छोड़ते भी हैं, मतलब जॉब वाले वगैरह होंगे तो। और मेरे ख़्याल से तो मैं जितने व्लॉग देखती हूँ ना, सभी लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ। पात्री साहब को ब्रेकफास्ट में 2 अंडे छील दिए हैं, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ, उनको कुछ भी दो, राइस थोड़ा देना ही पड़ता है। देखिए मैंने ये ड्रेस फाइनल किया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और वो एक टॉप लिया है, बाकी टॉप मुझे सही नहीं लगे, और ये एक पैंट ली है, और ये बच्चों को दोबारा से जैकेट आए हैं, ट्राई करना है, ये भी डबल एक्सल है। वैसे घर में देखा जाए ना हम सब लोग डबल एक्सल वाले हैं। देखिए मैंने ये कारपेट खरीदा है, और मैंने पिछले 2-3 दिन पहले के व्लॉग में बताया था कि मैं कारपेट का रेट बताऊंगी बोलकर, पर मैं वॉइस ओवर करते समय भूल गई, और मेरी एक व्यूअर ने मुझे पूछा आपने रेट नहीं बताए बोलकर। एक्चुअली ये मैंने 2000 का लिया है, और मेरी और एक दूसरी व्यूअर है उसी पर मुझे बताए थे कि मैंने पूछा था इसका प्राइस क्या है मुझे बताना बोलकर, तो उनके पप्पा का कारपेट का बिजनेस है, 1400 से 1500 में आ जाएगा उन्होंने बोला था। एक्चुअली मुझे ये 2000 में पड़ा है,
पहली बार सुबह में मैंने उसको 1500 में ही मांगा था, नहीं दिया, चला गया। फिर शाम में आके 1700 1800 करते करते 1900 पे मान गया। और मैंने उसे, मेरा भी मन बोल रहा था कि इतना भी घूम घूम के आया है, पेट्रोल भी कर रहा है, जाने दो ना, इसे 2000 ही देना है, बोलकर मैं 2000 ला ली। तो वो मुझे बोल के गया, रहने दो ना बाजी, आपका छोटा भाई लेके गया, बोल के समझ के दे दो ना, बोला। फिर मैंने दिल बड़ा कर दी। दोनों के दोनों है, तुमको थोड़ी देर से बुलाते, भैया सो के है, अब देख लो। आओ, मैं 15 दिन में सफाई कराती। हाँ बोलो बोलो, जाते मैं बोलो ना को कुछ, क्यों ना को बोलो, क्यों ना को बोलूं, बोलो। तुम मुझे वनचाटी बात करके जाते हैं, मेरा सिर इतना खराब है, तुम गांव गए समय सिर्फ रैक धोए, आ उसके बाद में मेरे दांत का 14 दिन ना, और तुम्हारे जमाई का हिसाब हो कि तुम आए नहीं बराबर, साफ करो बोले तो वो एक स्टोर रूम के डब्बे साफ करके जाते। ऐसे नहीं, ना मैं बंद कर डालती काम, वैसे करो आप बेहतर। देखो मैं तुम्हारे हाथ से भी नहीं हो रहा, मुझे भी लगता बोल के ना, मैं एक एक बोलती तुमको, ये करो वो करो बोल के, तुम नहीं आए ना, मुझे भी बेहतर रहा, मेरा काम मैं करके लेती, टेंशन ही नहीं रहता। हाँ मेरे पास डिश वॉशर है, जो भी चीज मेरे मेरे हल्के काम से पूरा करती मैं, ऐसा नहीं है कि तुम आ रहे बोल के मुझे सहारा हो रहा बोल के, तुमको भी मेरी जरूरत है, मुझे भी तुमको जरूरत है। तुम आधा करके मुझे आप उठा के बोल के गए 15 दिन में कर रहे बोल के, तुमने वो करे थे ये करे थे, आप उठा के कब बोली, हाँ कर से बोली मैं तुमको, नहीं आप हटा के गए, बट मुझे गुस्सा आया, मैं बोली आज सुनाने का तुम बात है, अभी मेरे घर को मेरा मेरी देवरानी माँ मौत के नशा में, देखो मैं वो सब चीजें सोच के तुमको कुछ बोल रही, क्या बोलो तुम मुझे चार बातें करके जाते, मैं सहन करूंगी, मैं अपना कोई गुस्से से भी नहीं, तुम कल गुस्से से बोले बात ही मुझे इतनी चढ़ी आपा, मैं एक एक बोलती आपा ये करे क्या जी, आपा ये करे क्या जी, आराम से कर लो जी बोल के जाती, तुम ही गुस्से में आके फटाफट पूरा करके जाते, तो करो नहीं तो छोड़ो बोलती मैं। इस औरत का नेचर है ना बहुत ज़्यादा अजीब है, फिर भी हम लोग 20 साल से इसको संभाल रहे हैं, मैं और मेरी एक सहेली है, हम दोनों इसको इसकी गलती पर डांटते भी हैं, और गरीब है जाने दे मजबूर है बोलकर हम लोग इसको संभालते भी हैं, इसके हर दुख दर्द में हम दोनों साथ भी रहते हैं, पर हमारे ही सर पे बैठती है और बहुत परेशान करती है, और इसका नेचर मतलब हर किसी को पसंद नहीं आता है, और क्या बोलते हैं यहाँ जितने भी कॉलोनी में लोग हैं ना सभी इससे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, मतलब जल्दी बात नहीं करते हैं, बुलाते नहीं हैं, और खुद ही दुखियारी होकर है ना परेशान होकर हम दोनों के पास ही आती है और हम दोनों पे ही ऐसे चढ़ जाती है। अभी मैं पहले चुप बैठती थी जाने दो बोल के, अब मुझे भी गुस्सा आ रहा है, अब मैं भी अच्छी बातें सुना रही हूँ, वो मुझे डराए जैसा करके जा रही है। देखिए मेरी जब ज़्यादा तबीयत खराब है तब वो मेरी मदद को नहीं आई है, अब उसको ज़रूरत है आ रही है, तो फिर मैं बोलूँगी नहीं उसे। अभी किसी भी चीज़ की बीमारी का एक हिसाब होता है, कोई 4 दिन कोई 8 दिन, कोई काम वाले 2-2, 3-3 महीने इतना ज़्यादा संभालते हैं क्या, तो मैं जाने दो भी बोल रही थी, चलो परेशान है रहने दो भी बोल रही थी, फिर भी वो मुझे कल बहुत ज़्यादा गुस्से से बोल के गई थी। मैं 15 दिन में सफाई करती, मैं खुद ही 15 दिन में करती, उसको जाने दो काम रहता बोलकर मैं उसको एक एक चीज़ की एक एक बात बताती, आपा आज ये कर लो जी, आपा आज वो कर लो जी, और कुछ भी ज़्यादा काम बोले ना तो उसका गुस्सा आ जाता, सर पे चढ़ जाता, और उस दिन भर 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 सारा किचन साफ कर लेते, मतलब कैसा वो थुक पॉलिश काम बोलते मालूम है, छाट छूट इधर उधर से पोछा पाची करके इधर उधर रख के चले जाते। अभी मैं क्या बोलूँ आपसे, देखिए मेरी थायराइड की वजह से मेरा बॉडी पेन रहता है, और यूट्यूब चालू करी हूँ तो 4-6 घंटे इसमें देती हूँ, और मेरे यूसुफ़ की 10वीं है तो शाम से उसको टाइम देती हूँ, तो ये सारी चीज़ें ये सारी परेशानियों को मैं है ना संभालते हुए इसको भी संभाल रही हूँ। देखिए पिछले हफ्ता मेरे पापा आए थे और मेरा बड़ा लड़का आया ना तो घर में इतना काम बढ़ जाता है, इवन पात्री साहब तक मेरी मदद करने लगते हैं, बहुत काम है बोल के, हर टाइम 3 टाइम 4 टाइम खाता है ना, नॉनवेज ही खाता है, और हर टाइम अलग होने का और फरमाइशें बहुत, और क्या बोलते हैं बहुत परेशानी। और फिर उसके बाद मेरे देवर आए हैं, अभी 5 आदमियों के बीच में मैं एक लेडी हूँ, तो आप सोच
सोच सकते हैं मुझे किस लेवल का काम लगा होगा। उसके बाद में मेरे दांत पर टाके भी हैं और टाके की वजह से मेरे सर दर्द, कान दर्द, मतलब मेरा तकलीफ़ चालू ही थी। तो भी मैं उन सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए इसकी भी सारी चीज़ें रहने दो, दामाद बीमार है, देवरानी बीमार है, जाने दो, सबका एक साथ आया तो कभी कभार संभाल लेना भी, कभी कभार नहीं, जब से ये काम को लगी है ना तब से उसका मेरा ऐसे ही होता है, तो भी मैं संभाल लेती हूँ। तो कल मुझे बहुत गुस्से से बोल के गई थी तो आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। बातों बातों में मैंने टेबल सरका लिया, सोफा सरका लिया और ये फैन साफ कर रही हूँ। आज तो हर रूम में काम फैला पड़ा है और आज दोनों हेल्पर हैं, दोनों के साथ आज मैं जम के काम करने वाली हूँ क्योंकि मुझे कुरान ख़त्म करना था। मैंने कुरान ख़त्म कर लिया आज सुबह से बैठ के, 9 बजे तक मैंने सिर्फ कुरान ही पढ़ा है। और आज पादरी साहब को बाहर जल्दी जाना था, वो चले गए हैं और अभी मैंने इतना काम कर लिया है। अभी आपको दिखाती हूँ कितना सारा काम पड़ा है। ये देखिए, ये थोड़ा सा कर लिया है और आज मेरे देवर जाने वाले हैं, उनकी बैग पैक हो गई है। अब ये सब सीधा करना है, हर चीज़ को अपनी अपनी जगह रखना है। और ये डाइनिंग टेबल का हाल देखिए कितना बुरा है। ये मॉस्किटो के लिए लाया है मच्छर भगाने वाला लिक्विड, इसको अभी 2 सप्तरफ लगाना है, सब यहीं पड़ा हुआ है। और ये हाल देखिए क्या, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको। वैसे भी मैं ये सारा क्लीन करते हुए कई वीडियो बताई हूँ, अभी मैं कर लूँगी, अभी नहीं बताऊँगी। और ये देखिए ये दंगल फैला पड़ा है और मेरे देवर की अभी गुड मॉर्निंग हुई नहीं है। बाकी ये सब झाड़ू पोछा करना है। और ये रूम का हाल देखिए कितना बुरा है। एक्चुअली मेरे दांत के टाकों की वजह से मुझे नीचे नहीं झुकना था तो फिर मैं हर काम को अवॉइड ही करी हूँ। और ये बाथरूम का बुरा बुरा हाल है। और ये कपड़े धोना है, फैले पड़े हैं पूरे कपड़े, वैसे मैंने कल टॉयलेट धो लिया था। ये है चूहे मामू का कमाल, कब गए थे अंदर क्या पता। और ये देखिए मैं इसके अंदर ये चीज़ें रखती हूँ, हमेशा खुशबू वाले अच्छे रहते हैं। बंद कर दो। ये रूम तो मैंने क्लीन कर लिया है, सांस लग रही है मेरी, दम आता है बोल रहे हैं ना, वैसा हो रहा है। क्योंकि स्लो भी करे तो हम ही करना होता है काम और फास्ट भी करे तो हम ही करना होता है, तो इसलिए मैं फास्ट करके बाद में रेस्ट करती हूँ। ये मैं खोल के देखी हूँ, कहीं से सुराख नहीं दिख रहा, पर बाल बाल गुच्ची गुच्ची दिखे हैं। अभी पूरा बिछाने के बाद पता चलेगा चूहे ने कहाँ से कुतेरा है। और ये तकिए की ग्लाफ वगैरह सब धोना है, धोने में रखी हूँ। और ये दोनों रूम मैंने एक साथ ही कर लिया है इसलिए मुझे उतनी ज़्यादा सांस लगी है। नींद खराब कर देखिए मेरे देवर की नींद खराब हो गई है। मैंने टेबल वगैरह इधर उधर से सरकाए ना, 9:30 बज रहे थे, 6 बजे थोड़ी मैंने सरकाई थी। वो बोल रहे हैं आज इतना काम काहे को करे तुम, मैं जाने के बाद करना था बोल के। देखिए मैंने पूरे घर का लुक ही चेंज कर दिया है। और ये कारपेट मैंने यहाँ डाला है, ठंडी के दिन चल रहे हैं, अभी यूसुफ पढ़ाई करेगा ना, ज़्यादा घंटे इसके यहीं बीतेंगे तो टेबल लेकर बैठ जाएगा। आज दिन भर पूरी तरह से काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था, एक के बाद कंटिन्यू करते करते देखिए ये टाइम आ गया है। सूरज कितना प्यारा लग रहा है ना। चलिए पूरे कपड़े निकाल लेती हूँ, अगर और 10 मिनट छोड़ दूँ ना मैं कपड़े तार पर, वैसे कपड़े सूख गए हैं, धूप अच्छी खिली थी, फिर चींटियाँ भर जाएंगे कपड़े में, फिर मैं कपड़े घड़ी नहीं कर पाऊँगी, फिर पलंग पर लेके जाके ऐसे ही फेंकना पड़ेगा ताकि चींटियाँ पूरी निकल जाएँ। इसलिए मैं थोड़ा सा दूसरा काम रख कर है ना ये कपड़े निकालने के लिए आई हूँ। और इतने ज़्यादा कपड़े थे, कपड़े निकालते निकालते मेरा पूरा हाथ मतलब ऐसा थक गया था, दर्द कर रहा था। और 2 बार आने जाने में मुझे लगा एक ही बार में लेके जाती हूँ बोलकर, देखिए मैंने कितना अपने खांदे पे लोड ले रही हूँ। और धूप के दिन में, सर्दी के दिन में मैं क्या करती हूँ, कपड़े तब का तब उनकी जगह पर रख देती हूँ, क्योंकि बारिश का पूरा सीज़न घर भर के कपड़े फैले पड़े रहते हैं ना तो मेरे सर में दर्द होता है। तो मैं जब का तब काम करना पसंद करती हूँ ताकि कोई अनजाने में भी आ जाए या फिर बोल कर आए, घर हमेशा पाक रहना चाहिए। और ये देखिए मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं और ये डब्बे वगैरह धुलकर ऐसे धूप में रख देती हूँ ताकि सूखा सामान जल्दी से भर सकूँ।
और ये आ गए कपड़े, देखिए पहले पिलो कवर को ही गिलाफ चढ़ा पिलो पर ही गिलाफ चढ़ा देते हैं क्योंकि एक काम हो जाएगा। और मैंने दो सिराने अंदर रख दिए और ढूंढ रही हूँ मेरे और दो सिराने कहाँ गए, ये ज़्यादा के कपड़े कहाँ से आए बोलकर। फिर मेरे देवर बोले भाभी आप दो ज़्यादा के अंदर रख दिए बोलकर। देखिए मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए झटपट जल्दी से मटन पुलाव बनाते हैं, मेरे देवर गाँव जाने वाले हैं तो मटन पुलाव मेरे लिए सही रहेगा क्योंकि बहुत सारा काम हो चुका है और उन्हें ये बिरयानी पसंद भी है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, और अपने दोस्तों में मेरे ये इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करो ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। देखिए मेरा वॉश टाइम कितना अच्छे से कम्प्लीट हो रहा है और सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। देख याद है ना? मुझे तो याद है, आपको याद है कि नहीं है? नहीं नहीं, मैंने बोला था ना आपको। हाँ नहीं, अभी एक बार आप वापस दिए ना, हाँ, तो आप तो, हाँ, फिर आप पहली बार ही वापस नहीं दे तो मैं कैसे दूँ? ये रहता मेन पॉइंट। और एक बात बोलूँ आपको, आप मुझसे पैसे लेंगे आप भूल जाएंगे, कुछ दिन के बाद मैं भी भूल जाऊंगी, पर भगवान नहीं भूलता है। 2000 नहीं जाएंगे वो तो, आप चोरी तो नहीं करके लिए ना, तो 2000 नहीं जाएंगे वो, बाद में भगवान हिसाब किताब करेगा। फिर तूने ले तो बोल के दिया था तो देना चाहिए। दो तीन चुटकी हल्दी, 3 चम्मच नमक डाला है। अभी मत लो, नहीं उनको मत लो, मेरी मैं मुझे लो, सब्जी को लो। अभी तो उतने अच्छे नहीं ना, सुबह लो ना। बैंगन क्यों नहीं? बैंगन है, हाँ अच्छे है कि नहीं ताजे? बैंगन क्यों है, पर काटल नहीं है, काटल नहीं भी जम जाते। क्यों सब्जी अच्छी क्यों नहीं लाए? नहीं नहीं अच्छी है, ये बोल रहा पालक भी लेकिन नहीं, खत्म हो गई सब, उनको दे के आए। आप सुबह ही लेते हो ना तो अभी मुझे मालूम ही नहीं आप होंगे नहीं होंगे। आपका आवाज आया तो आई नहीं बाहर, अभी ठंडी के दिन चालू हो गए। ये आप खेत से लाए कि मार्केट से? ये मार्केट से लाए, इसलिए तो ऐसी दिख रही है, भूरे भूरे। खेत में खत्म हो गए, ताजे ताजे रहे तो अच्छे लगते ना। चलो अभी रुको, फ्रेश है, एक पाव ले देते। फ्रेश नहीं है ये? नहीं नहीं ये फ्रेश है, आप कभी कभी से किधर से भी पूछ लो। मैडम ओळखून घेते बातस, मैडम ओळखून घेते बातस, मी सांगायलो ना ते ना, पण आपण आप पिछली बार 30 रुपए के टमाटर 50 को देके गए थे। नहीं नहीं, हां मुझे याद है, उसी टाइम से मैं बाहर नहीं आई। नहीं नहीं, जान दो बोले मैं पुसस से मंगा लेंगे बोले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता, वो टमाटर के हिसाब से होता है। नहीं भाव अच्छे से देने का, चीटिंग नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं जी, अभी भी वही भाव चालू है, बस 30-40 रुपए पाव हो जाते। गिनो की नहीं, आपकी मर्जी, हाँ ले लो, हो जाते ये कम है कि जास्ता? कितना इसका? 15 महंगा नहीं हुआ? नहीं 15 लाइव जा रहा हूँ। दस जी आप ज्यादा ले रहे हैं। हाँ, नहीं, नहीं, सच्ची नहीं। ये 15 रुपए में पाव बैंगन है, 35-40 किलो है, 35 या 40 रुपए किलो। भैया गए थे देखो, थोड़ा मार दे रहा, ऊपर की क्वालिटी है ना टमाटर, आपको कैसा चाहिए उसके ऊपर क्वालिटी है। 35-40 अगर उस रेट से, नहीं नहीं नहीं, सुनो आप चीटिंग नहीं करें तो हम अभी उससे ना लाके आपका लेने को आते। अभी इसमें क्या प्रोसेस बोलता हूँ, दो डिफरेंस है, आप खुद जाते हो आप, अरे मैं आपको खुद लाके देता हूँ, इतना तो 5 रुपए से मेरा तो कमीशन बनता। 5 लो इसमें, ना आप 5 लो, आप 15 लिए तो कैसे चलेगा? उस टाइम का ये बात हम भी सोचते, अरे यहाँ तक आ रहा थोड़ा सा दे देंगे, वो बात नहीं। और दूसरी बात ये आपको मालूम नहीं रहती, उधर कैसा मार्केट में अगर माल ज्यादा आया ना तो भाव कम गिरता है, और माल की आवक कम हो गई ना तो रेट ज्यादा होता है। अपन आज के भाव मिले आगे। इस वीडियो में तो मेरी रियल ज़िंदगी आ गई क्योंकि ये डेली रहता है। और क्या बोले तो ये भाजी वाला है ना बहुत फैशनेबल है, हमेशा तैयार होके रहता है और इसके पास डिजिटल काटा है, और एक दो बार है ना फंसाया भी है तो वही उसको डांट रही थी। चलिए देखिए मैंने 900 ग्राम चावल लिए हैं और मटन तो मैं आधा किलो ही डालूँगी क्योंकि मेरे घर में पीसेस बहुत कम खाते हैं, पीछे रह जाते हैं तो ख़राब होते हैं, तो फिर एक की जगह 2 सालन बन जाएंगे, बिरयानी भी बन जाएगी और सालन भी बन जाएगा। देखिए आज मैं प्रॉपर तरीके से तेल डाल रही हूँ, मैंने 5 चम्मच तेल डाले हैं और इस बिरयानी के लिए ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट तेल हुआ था। आधा चम्मच मतलब आधा नहीं वाला शाजीरा डाला है, उसका डबल
एक निवाला जीरा डाला है और एक बड़े साइज की प्याज डाली है। प्याज का हल्का कलर चेंज हो रहा है, उसी टाइम बेलीफ उसी समय बोलने का छोड़ के टमे बोल रही हूँ क्या यार, मतलब दांतों की वजह से भी और वैसे भी मैं थोड़ा सा तुदली हूँ, एक्सेप्ट भी करती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी बात करने जाती हूँ तो कुछ गड़बड़ी हो जाता है मेरे हाथ से। देखिए यहाँ बातों बातों में वहाँ रेसिपी आगे चली गई। मुझे है ना लंबे लंबे बेलीफ थोड़े से दिक्कत करते हैं, चावल इधर उधर फैला देते हैं, तो इसलिए मैंने बेलीफ को कट करके डाला है। और 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच घर का कुटा हुआ गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 8 से 10 हरी मिर्च डाली है, 1 मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी हरा धनिया। उसके बाद सूखा मटन डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, टमाटर के गलने तक पकाया, मतलब पूरा भी नहीं गलाया है। उसके बाद चावल धोकर डाल दिया और ये मटन में मैंने थोड़ा सा पानी रखकर ही गलाया था क्योंकि ये जो पानी चावल के अंदर जाता है ना तो चावल का जायका बहुत ज़्यादा बदल जाता है। और मेरे चावल नए हैं तो इसलिए मैंने पानी बहुत कंजूसी से ही डाला है, मतलब मैंने 1 कप पानी कम ही डाला है। उसके बाद नमक टेस्ट कर लिया, 1.5 चम्मच नमक ऐड कर दिया। उसके बाद 1 चम्मच गरम मसाला ऊपर से डाल दिया, 1 चम्मच डालडा डाल दिया। मैं बिरयानी में डालडा डालती ही हूँ क्योंकि उसका जायका कुछ अलग ही होता है। मैं हर चीज़ यूज़ करती हूँ कम मात्रा में और आप मेरा मसाला भी देख सकते हैं, अगर आप मसालेदार खाते हैं तो मसाला बढ़ा भी सकते हैं। और देखिए ये कुकर मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है, नॉर्मल कुकर जैसा नहीं है ये, और इसका ढक्कन खोलते समय भी बहुत ज़्यादा ध्यान से खोलना पड़ता है नहीं तो भाप हाथ को लग जाती है। और ये देखिए दही ख़त्म हो गया है और क्या बोले तो मैंने दूसरा दही लगा दिया है और प्याज टमाटर हरा धनिया हरी मिर्च डालकर क्या बोलते हैं दही का सलाद बना रही हूँ। और 1/2 चम्मच इसमें मैं ज़ीरा पाउडर और 1/2 चम्मच नमक डालती हूँ। आप ज़ीरा पाउडर स्किप भी कर सकते हैं पर ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप एक बार ट्राई करना। मौका ढूंढते रहो तुम इतना भाई बहन जुदा करने का। वो क्या फोन आया था कि मैं दिल से बोल रही थी तो है कि नहीं। क्या जी तुम ना कौन गाँव कर जबरदस्ती कर रहे हैं नहीं ये तो अंदर गाते आते पूरा नाम गाँव आगे कुछ भी करने का। देखिए इधर बिरयानी भी बन गई, मेरा ये रोज़ का होते रहता है घर में, मैं तीनों लोगों को संभालते रहती हूँ। पर आज कैमरा चालू था तो मैं इसे बंद भी नहीं की, ज़रा सा मैंने केसरी कलर डाल दिया है। और ये चैनल का लिंक अपनों के पास किसी के पास नहीं है तो मेरे लड़का भी और पात्री साहब भी खुल कर आ रहे हैं। और ये मेरे देवर की तैयारी हो गई, उन्होंने गाड़ी है तराश दी थी, हंसते जाओ अकबर भी इन्हों भी जल्दी आंसू आते हैं उनको। वालेकुम सलाम। और उनको कौन कौन जा रहे हैं सीट पकड़ने अपनी अपनी टीम तैयार कर ली क्या आंटी बरते थे अदक का। चलिए मेरे देवर भी चले गए, मतलब अभी घर पूरा खाली हो गया और कुरान पढ़ने का टाइम भी उसी टाइम में था और जहीन भी उसी टाइम में आया था और मेरे देवर भी आए थे, मतलब काम फुल था और मेरे दांत भी ये हो गए थे लेकिन अब रेस्ट हो गया और काम भी ख़त्म हो गया, अब नॉर्मल लाइफ चलेगी कुछ दिन तक। नहीं पर मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रही थी, अभी यूट्यूब को थोड़ा सा टाइम दूंगी। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज का जो मैंने मटन पुलाव बनाया है ना इतनी खुशबूदार बना है ऐसे देवर को मेरे बाय कर रही हूँ ना उसकी स्मेल, हाथ की स्मेल मुझे आ रही है, इतनी ज़्यादा खुशबूदार बना है। और साबुन से हाथ धोने के बाद की बात कर रही हूँ मैं और ज़्यादा कुछ मसाले भी नहीं डाले हैं, आपने तो अभी तक वीडियो देखा ही होगा ना। चलिए यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच,
मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपका भी दस्तरखान ऐसी अच्छी अच्छी नेमतों से भरे, आपको जो पसंद है वो खाना मिले, अच्छा मिले, बार बार मिले और आप इतना ही खाएं कि आप मोटे ना हो सकें, आपका थोड़े खाने में दिल भर जाए और आप हेल्दी रहें। चलिए सबके लिए ऐसी दुआ हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।